गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मनीष है, एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। एमसीए ने एक सर्कुलर इशू किया है ऑन 30 जून 2021 और ये सर्कुलर के थ्रू उन्होंने बहुत सारे फॉर्म फाइलिंग डेट एक्सटेंड किए हैं। तो देख लेते हैं क्या है सर्कुलर। ये जनरल सर्कुलर नंबर 11/2021 30 जून को आया है और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिला है फॉर्म फाइलिंग के लिए वो है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड एलएलपी एक्ट 2008। ये दोनों में भी फॉर्म फाइल करने का एक्सटेंशन मिला है। अब जो एक्सटेंशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये ऑलरेडी एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 6/2021 डेटेड 3/5/2021 3 मई को आया था एक नोटिफिकेशन, जिसके थ्रू ये फॉर्म फाइलिंग की डेट ऑलरेडी एक्सटेंड किए गए थे। बट नाउ अगेन एडिशनल एक्सटेंशन दिया गया, जो भी फॉर्म्स होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर या फिर एलएलपी के अंदर, वो सारे फॉर्म्स के डेट है वो एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम 31 जुलाई टू 31 अगस्त। जो फाइलिंग का डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच में फॉल हो रहा था, वो डेट वो फॉर्म फाइलिंग डेट एक्सटेंड करके 31 अगस्त 2021 इन्होंने कर दिया। अभी यहाँ पे कौन से फॉर्म है जिसका एक्सटेंशन नहीं दिया, जिसके लिए एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। जो चार्जेस के फॉर्म होते हैं, चार्जेस के लिए फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म नंबर CAG1, CAG4 एंड CAG9, तो ये सब फॉर्म एक्सेप्शन में है, ये सब फॉर्म्स के लिए एक्सटेंशन नहीं है। बाकी अदर जो भी फॉर्म है कंपनी चेक के अंदर या फिर एलएलपी के अंदर, तो ये सारे फॉर्म्स के लिए एक्सटेंशन मिल गए हैं, जिसके डेट 1 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 के बीच में फॉल होता है, उसका वो अभी 31 अगस्त 2021 तक फाइल कर सकते हैं। तो ये है सर्कुलर एमसीए का। आप ये सर्कुलर मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है एमएम टेक्स क्लब के नाम से। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब।